कैसे प्रभु येसु ने इस बचपन से अंधे भिखारी की आंखों में रोशनी डाली, आइए जानते हैं। दोस्तों, ये आदमी बचपन से अंधा था, यानी ये बचपन से देख नहीं सकता था, और इस कारण ये बाजारों में बैठकर भीख मांगा करता था। लेकिन एक दिन प्रभु येसु इस बाजार से होकर जा रहे थे, तभी ये आदमी आसपास हो रही हलचल को महसूस करते हुए एक आदमी से पूछता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तभी वो आदमी बोलता है कि यहाँ से नासरत के येसु मसीह जा रहे हैं, और ये आदमी चिल्ला चिल्लाकर प्रभु येसु को आवाजें लगाने लगता है, और इसकी आवाजें सुनकर येसु रुक जाते हैं और मुड़कर देखते हैं, और तभी येसु के चेले इसको पकड़कर प्रभु के पास ले आते हैं, और प्रभु इस आदमी से पूछते हैं कि तुम्हारे लिए मैं क्या करूं, और फिर ये आदमी बोलता है प्रभु मैं फिर से देखना चाहता हूं, और तभी प्रभु इसकी आंखों पर हाथ रखते हुए बोलते हैं कि आज से तुम देखोगे, और तभी ये आदमी देखने लगता है और रो रो कर प्रभु के पैरों में गिर जाता है। प्रभु की इस महिमा को देख वहाँ खड़े सभी लोग अचंभित रह जाते हैं।